नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। शहरों के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना का संक्रमण पहुंच गया है, जिससे लोग दहशत में हैं। इस बीच आगरा के एक कोविड सेंटर से 24 कोरोना मरीजों के भागने की खबर सामने आई है। कोरोना मरीजों के भागने की खबर से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मरीजों की तलाश की जा रही है, वहीं इलाके में दहशत का माहौल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आगरा में गांव कुरुगवां के कोविड सेंटर से 24 कोविड मरीज भाग गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने के लिए गांव पहुंची थी। मरीजों का कहना था कि वो आगरा के अस्पतालों में नहीं जाएंगे, उनका यहीं उपचार करो। इस घटना से गांव में दहशत फैल गई है, संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। देर रात तक गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस गांव में डेरा जमाए रही। बता दें कि कुरुगवां गांव की आबादी करीब 5,000 है। पंचायत चुनाव के दौरान गांव में बड़ी संख्या में बाहरी लोग आए थे। इसके बाद गांव में खांसी, जुखाम और बुखार फैल गया। 20 अप्रैल से 6 मई के बीच यहां 14 लोगों की मौत हो गई। इसमें 2 दिन में 7 लोगों की जान गई। इसके बाद जब स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव आकर लोगों की जाँच की तो इसमें 17 लोग पॉजिटिव मिले। इनके लिए गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में कोविड सेंटर बनाकर सभी को आइसोलेट कर इलाज शुरू कर दिया गया। हिंदुस्तान की खबर के मुताबिक कुछ दिन बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम फिर से गांव पहुंची और सैंपलिंग की। इस दौरान 10 नए लोग कोरोना संक्रमित मिले। इनको भी गांव के ही कोविड सेंटर में आइसोलेट कर दिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम पुलिस के साथ बुधवार को फिर गांव पहुंची। उन्होंने बताया कि 27 संक्रमितों में से 4 की रिपोर्ट नेगेटिव थी, जबकि 1 नए व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। यानी 24 मरीज प्राथमिक विद्यालय में चारपाइयों पर थे। टीम ने उन्हें SN मेडिकल जिला अस्पताल नेमिनाथ हॉस्पिटल में भर्ती कराकर इलाज की सलाह दी थी। टीम के मुताबिक यहां ठीक इलाज नहीं हो पा रहा है, यही मरीजों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि वो यहां चाहे मर जाएं, जमीन में गाड़ दीजिए, मगर आगरा में अस्पताल नहीं जाएंगे। यहां उन्हें सभी देख तो रहे हैं, आगरा में पता नहीं क्या होगा, कौन देखेगा। तमाम लोगों के मरने की सूचना मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की पॉजिटिव मरीजों से बात हो रही थी। इतने में गांव की तरफ एम्बुलेंस आती देख मरीज भाग खड़े हुए। वो धीरे धीरे गांव की ओर निकल गए। देर रात तक उनका कोई सुराग नहीं लगा। बता दें कि आगरा जिले में बुधवार को कोरोना के 189 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 8 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। जिले में कुल मरीजों का आंकड़ा 24,243 पहुंच गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।